गुरुकुल के ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। छतगण, जीवन में यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको निरंतर कठिन परिश्रम करना होगा, निरंतर बाधाओं से जूझना होगा, अपने अंदर जोश जज्बा और जुनून रखना होगा और हमेशा एक ख्वाब देखना होगा कि जीवन में यदि आप सफल हो जाते हैं तो उसके बाद की स्थितियां कैसी होंगी, कैसे लोग आपको सम्मान के नजर से देखेंगे, कैसे समाज का दृष्टिकोण आपके प्रति बदलेगा, कैसे परिवार का दृष्टिकोण आपके प्रति बदलेगा, कैसे सगे संबंधियों का दृष्टिकोण आपके प्रति बदलेगा, कैसे लोग आपके प्रति सकारात्मक नजरिया रखेंगे और आप अपने समाज में, अपने निवास स्थान के साथ साथ अपने मोहल्ले, गांव, समाज, जिले में आपकी गरिमा, आपका सम्मान, आपके लोगों के प्रति आपके नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। तो सफलता के कई साथी होते हैं छात्रगण, असफलता का कोई भी साथी नहीं होता है। इसलिए सफल इंसान बने जीवन में, नेकदिल तो बने ही लेकिन सफलता भी बहुत जरूरी है। असफल व्यक्ति को कोई भी नहीं पूछता है छात्रगण, ध्यान रखेंगे, है ना छात्रगण। मुगल साम्राज्य में कई चीजों का हम लोगों ने अध्ययन किया। मुगल कालीन कला संस्कृति के तहत आपने विगत कक्षाओं में मुगल कालीन जो है स्थापत्य कला के संबंध में विस्तृत अध्ययन किया था। साथ ही साथ चित्रकला के बारे में भी हम लोगों ने जाना था कि किस प्रकार से जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। छतगण, ठीक उसी प्रकार से आज उसी कला और संस्कृति पाठ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और हेडिंग बनेगी आपकी मुगलकालीन संगीत। मुगलकालीन संगीत उनके छतगण हेडिंग, हाँ लिखेगा, अकबर सबसे ज्यादा संगीत प्रेमी शासक था। अकबर सबसे ज्यादा संगीत प्रेमी शासक था, शासक था। नेक्स्ट, अकबर नक्कारा नामक, नक्कारा नामक वाद्यंत्र, वाद्यंत्र काफी अच्छा बजाता था, अच्छा बजाता था। नेक्स्ट, अकबर के दरबार में तानसेन, बैजू बावरा, बावरा जैसे महान संगीतकार मौजूद थे। नेक्स्ट, तीर का निशान, औरंगजेब संगीत विरोधी था, औरंगजेब संगीत विरोधी था और यह कहता था कि संगीत को कब्र में, संगीत को कब्र में इतने अंदर तक दफन कर दो, इतने अंदर तक दफन कर दो कि उसकी आवाज भी ना आने पाए, उसकी आवाज भी ना आने पाए, दफन कर दो कि उसकी आवाज भी ना आने पाए, पाए। नेक्स्ट, औरंगजेब संगीत विरोधी होने के बावजूद वीणा नामक वाद्यंत्र,
वीणा, वद्दे वीणा वादिनी वद्दे सरस्वती माता का वाद्य यंत्र वीणा, वीणा नामक वाद्य यंत्र बजाने में काफी प्रवीण था, प्रवीण था। हो गया कंप्लीट छात्रगण, वेरी गुड। नेक्स्ट टेंशन, औरंगजेब के समय संगीत की सबसे ज्यादा पुस्तकें लिखी गई थीं, नेक्स्ट टेंशन, औरंगजेब के समय संगीत की पुस्तकों का सबसे ज्यादा अनुवाद भी हुआ था, चलिए क्या सवाल आएंगे गौर कीजिएगा, किस मुगल कालीन शासक के शासनकाल को संगीत का स्वर्ण काल कहा जाता है? अकबर के शासनकाल को संगीत का स्वर्ण काल कहा जाता है। कौन सा मुगल शासक सबसे ज्यादा संगीत प्रेमी था? अकबर सबसे ज्यादा संगीत प्रेमी था। अकबर के दरबार में तानसेन तो थे ही, बैजू बावरा जैसे महान संगीतज्ञ भी मौजूद थे। इन दोनों के बीच जबरदस्त प्रतियोगिता भी चलती थी छात्रगण, ध्यान रखिएगा, है ना छात्रगण। अकबर स्वयं नक्कारा नामक वाद्यंत्र बजाने में काफी प्रवीण था, बहुत ही शानदार बजाता था नक्कारा नामक वाद्यंत्र। पूछेगा कौन सा मुगल शासक नक्कारा नामक वाद्यंत्र बजाने में काफी प्रवीण था? तो अकबर नक्कारा नामक वाद्यंत्र बजाने में काफी प्रवीण था, जिसे आपको ध्यान रखना है, जिसे मनन करना है, एक एक बातों को याद रखना है छात्रगण, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। पूछेगा कौन सा मुगल शासक संगीत विरोधी था? औरंगजेब। किस मुगल शासक ने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था? औरंगजेब ने। कौन सा मुगल शासक संगीत विरोधी था और यह कहता था कि संगीत को कब्र में इतने अंदर तक दफन कर दो कि उसकी आवाज तक ना निकले? औरंगजेब था छतगन, यह संगीत की मैयत निकलवाता था, शव यात्रा निकलवाता था औरंगजेब, इतना जबरदस्त संगीत विरोधी था छतगन। यह आश्चर्यजनक है कि संगीत विरोधी होने के बावजूद भी औरंगजेब वीणा बजाने में काफी प्रवीण था। पूछेगा कौन सा मुगल बादशाह वीणा बजाने में अत्यधिक प्रवीण था? औरंगजेब। औरंगजेब वीणा बजाने में अत्यधिक प्रवीण था, इसे भी छात्रगण आपको ध्यान रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा, इसे भी याद रखना होगा, इसे भी स्मरण करना होगा, इसे भी गौर करना होगा। वीणा बजाने में प्रवीण था औरंगजेब, है ना छात्रगण। सबसे ज्यादा संगीत की पुस्तक किसके शासनकाल में लिखी गई थी? तो औरंगजेब के शासनकाल में लिखी गई थी। सबसे ज्यादा संगीत की पुस्तक किसके शासनकाल में लिखी गई थी छात्रगण? औरंगजेब के शासनकाल में लिखी गई थी। इसे भी आपको ध्यान रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा, इसे भी याद रखना होगा, इसे भी गौर करना होगा, इसे भी आपको एकदम दिमाग में रखना होगा। संगीत की सबसे ज्यादा पुस्तकों का अनुवाद भी औरंगजेब के कार्यकाल में हुआ था छात्रगण, ये भी ध्यान रखिएगा। तो छात्रगण औरंगजेब संगीत विरोधी तो था, लेकिन वीणा बजाने में खुद प्रवीण था, उस्ताद था, शानदार वीणा बजाता था। इसके समय संगीत की सबसे ज्यादा पुस्तकें लिखी गई, और तो और संगीत के सर्वाधिक पुस्तकों का अनुवाद भी औरंगजेब के समय में ही हुआ था, इसे भी छात्रगण ध्यान रखिएगा, मनन कीजिएगा, याद रखिएगा, एक एक चीजों को गौर कीजिएगा। अब हेडिंग बनेगा छात्रगण, मुगल कालीन विदेशी यात्री। हेडिंग बन गया छात्रगण लालिया हरा कलम से, है ना। लिखेगा नंबर एक, रॉल्फ फिच। लिखे, यह अंग्रेज यात्री था, यह अकबर के कार्यकाल में भारत आया था, यह शासनकाल भी लिख सकते हैं, यह अकबर के शासनकाल में भारत आया था। इसने
हो गया कंप्लीट छतगन, या अकबर के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट, इसने आगरा और फतेहपुर सिकरी, आगरा और फतेहपुर सिकरी को लंदन से भी बड़ा शहर बतलाया था। आगरा और फतेहपुर सिकरी को लंदन से भी बड़ा शहर बतलाया था, बतलाया था। नेक्स्ट, अगले यात्री का नाम लिखेंगे छतगन, कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस लिखेंगे छतगन, इंग्लैंड के राजा, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम प्रथम एवं रानी एलिजाबेथ प्रथम के राजदूत के रूप में भारत आने वाला यह प्रथम अंग्रेज यात्री था, यात्री था। नेक्स्ट तीर्थंकर, यह जहांगीर के कार्यकाल में, यह जहांगीर के कार्यकाल में भारत 1608 में हेक्टर नामक, हेक्टर नामक पानी के जहाज से, हेक्टर नामक पानी के जहाज से भारत आया था। इसने जहांगीर से आगरा के दरबार में मुलाकात की, आगरा के दरबार में मुलाकात की और फारसी भाषा में बातचीत की, फारसी भाषा में बातचीत की। जहांगीर ने इसे 400 का मनसब प्रदान किया था, 400 का मनसब, मनसब प्रदान किया था, मनसब प्रदान किया था। नेक्स्ट, अगले यात्री का नाम लिखेंगे छतगन, सर थॉमस रो। लिखे 1615 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में यह भारत आया था, आया था। इसे मुगल सम्राट जहांगीर ने खान की उपाधि, खान की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट, पीटर मुंडी, पीटर मुंडी लिखे, इटली का यह प्रसिद्ध यात्री शाहजहां के दरबार में आया था, दरबार में आया था। नेक्स्ट, टावरनियर, टावरनियर लिखे, फ्रांस का यह यात्री
पेशे से जौहरी था, जौहरी, हीरे की पहचान जौहरी को होती है कहते हैं ना छात्र का नाम लोग, वही जौहरी था ये, पेशे से जौहरी था। यह शाहजहां के कार्यकाल में भारत आया था। नेक्स्ट, बर्नियर, बर्नियर देखिए, फ्रांस का यह यात्री पेशे से चिकित्सक था तथा औरंगजेब के कार्यकाल में भारत आया था। फ्रांस का यह यात्री पेशे से चिकित्सक था, चिकित्सक डॉक्टर था, तथा औरंगजेब के कार्यकाल में भारत आया था। नेक्स्ट, मनुची, मनुची, इटली का यह यात्री, इटली का यह यात्री पेशे से तोपची था, पेशे से तोपची, तोप चलाता था, तोपची था, तथा औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था, औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था, था। इसने औरंगजेब एवं दारा शिकोह के बीच हुए, इसने औरंगजेब एवं दारा शिकोह के बीच हुए उत्तराधिकार के युद्ध में, उत्तराधिकार के युद्ध में भाग लिया था, उत्तराधिकार के युद्ध में भाग लिया था, लिया था। तो यह है छतगण, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और जबरदस्त रूप से आता है प्रतियोगिता परीक्षाओं में, इसलिए आपको इन सभी यात्रियों के नाम याद रखने होंगे। छतगण पूछेगा किस अंग्रेज यात्री ने आगरा और फतेहपुर सिकरी को लंदन से भी बड़ा शहर बतलाया था, रॉयल फिच ने। रॉयल फिच किसके समय भारत आया था, अकबर के कार्यकाल में भारत आया था। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था, कैप्टन हॉकिंस। किसके राजदूत के रूप में आया था, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम और महारानी एलिजाबेथ प्रथम के राजदूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस भारत आया पर आया था। छतगण भारत आया था, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। छतगण कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने 400 का मनसब प्रदान किया, सम्मान दिया, हेक्टर नामक पानी के जहाज से यह आया था। छतगण कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन ने 7 करोड़ का यह प्रश्न पूछा था कि कौन सा अंग्रेज यात्री मुगल दरबार में जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था तथा वह किस पानी के जहाज से भारत आया था। छतगण कैप्टन हॉकिंस उसका नाम था, हेक्टर नामक पानी के जहाज से वह भारत आया था। आगरा के दरबार में वह जहांगीर से मिला, फांसी में बातचीत की और अंग्रेजों के लिए लाभदायक साबित हुआ, अंग्रेजों और मुगलों के बीच व्यापारिक संबंध हुए, व्यापारिक कोठी की स्थापना की अनुमति प्राप्त की गई और कैप्टन हॉकिंस का यह यात्रा सफल रहा था। ध्यान रखिएगा, 400 का मनसब प्रदान किया था जहांगीर ने से। छतगण पूछेगा सर टॉमस रो भारत कब आए थे, 1615 में। कैप्टन हॉकिंस कब आए थे, 1608 में। सर टॉमस रो भी छतगण जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में भारत आए थे, है ना, और जहांगीर ने इन्हें खान की उपाधि दी थी, यह भी आपको ध्यान रखना होगा। छतगण पीटर मुंडी जो है वो शाहजहां के शासनकाल में आए थे, इटली के यात्री थे। टवर्नियर एक प्रसिद्ध जौहरी थे, आभूषणों के जबरदस्त जो है ज्ञानवान व्यक्तित्व थे, जौहरी थे टवर्नियर, फ्रांस के थे। बर्नियर
पेशे से चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, ये भी फ्रांस के थे। मनुची जो कि इटली का यात्री था, पेशे से तोपची था, और औरंगजेब और दादा सिको के बीच जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, इसने बतौर तोपची इस युद्ध में भाग लिया था। तो छतगन मुगल काल में आए इन यात्रियों को उनकी विशेषताओं के अनुसार याद रखेगा। पूछ देगा मुगल काल में आया कौन सा प्रसिद्ध यात्री पेशे से चिकित्सक था, तो बदनियर था। पेशे से चिकित्सक कौन था छतगन? बदनियर। कौन सा प्रसिद्ध यात्री पेशे से जौहरी था? टावरनियर। कौन सा प्रसिद्ध यात्री पेशे से तोपची था? मनुची। ये सब छात्रगण जब तक आप नहीं याद रखेंगे तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे, आपको इसे ध्यान में रखना होगा। हेडिंग बनेगा छात्रगण मुगल कालीन साहित्य। साहित्य लिखिए, मुगल काल की राजकीय भाषा फारसी थी। फारसी थी मुगल काल की राजकीय भाषा फारसी थी। नेक्स्ट, मुगल काल में निम्न प्रमुख ग्रंथों की रचना की गई, रचना की गई। नंबर एक, तुजुके बाबरी। बाबरी, तुजुके बाबरी लिखे। यह बाबर की आत्मकथा थी जो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। यह बाबर की आत्मकथा थी जो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। इसका फारसी भाषा में अनुवाद, बाबरनामा के नाम से, से अब्दुल रहीम खाने खाना, नाम सुन चुके हैं आप। अकबर के नौरत्न बैरम खान के पुत्र रहीम के उपनाम से दोहा और कविता लिखने वाले शख्सियत अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था, नेक्स्ट ग्रंथ का नाम लिखेंगे छतगन हुमायूं नामा। लिखिए, इसकी रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम, इन वाइट कॉमा अंडरलाइन लाल कलम, गुलबदन बेगम ने की थी। इसमें हुमायूं के इतिहास का वर्णन है, नेक्स्ट, आईने अकबरी। पढ़ चुके हैं आप आईने अकबरी, नजदीक लिखेंगे, इसकी रचना अबुल फजल ने की थी, नेक्स्ट, अकबरनामा, इसकी रचना अबुल फजल ने की थी, नेक्स्ट, तबकाते अकबरी, इसकी रचना निजामुद्दीन अहमद, अहमद
ने की थी, निजामुद्दीन अहमद ने की थी। नेक्स्ट, मुंतखाब उल तवारीख, उल तवारीख, मुंतखाब उल तवारीख, इसकी रचना अब्दुल कादिर बदायूनी ने की थी। अब्दुल कादिर बदायूनी ने की थी। नेक्स्ट, तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी, जहांगीरी लिखे, जहांगीर द्वारा फारसी भाषा में लिखी गई, जहांगीर द्वारा फारसी भाषा में लिखी गई यह जहांगीर की आत्मकथा थी। जहांगीर द्वारा फारसी भाषा में लिखी गई यह जहांगीर की आत्मकथा थी। नेक्स्ट, पादशाह नामा, पादशाह नामा, नामा लिखे, अब्दुल हमीद लाहौरी, अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखे गए इस ग्रंथ में मुगल शासक शाहजहां का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट, गंगा लहरी, गंगा लहरी लिखे, जगन्नाथ पंडित द्वारा शाहजहां के कार्यकाल में लिखे गए इस ग्रंथ से शाहजहां के कार्यकाल की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, फुतुहाते आलमगिरी, फुतुहाते आलमगिरी लिखे, औरंगजेब के शासनकाल में ईश्वरदास नागर, ईश्वरदास नागर द्वारा लिखित इस पुस्तक को मुस्लिम कानून का संग्रह कहा जाता है, कानून का संग्रह कहा जाता है, जाता है। यह है छतगण मुगल काल में लिखे गए प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है छतगण। पूछेगा तुझुके बाबरी किसने लिखा था, बाबर ने लिखा था, बाबर की आत्मकथा का नाम था तुझुके बाबरी। किस भाषा में लिखा था, तुर्की भाषा में। इसका फारसी भाषा में अनुवाद किस नाम से किया गया था, बाबर नामा के नाम से किया गया था। किसने किया था, अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। ध्यान रखेंगे छतगण, गौर करेंगे छतगण। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा, उसे भी ध्यान दीजिएगा, उसे भी गौर कीजिएगा,
उसे भी याद रखिएगा, उसे भी स्मरण कीजिएगा। छतगन पूछेगा हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था, हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम जिन्होंने हुमायूं नामा लिखा था। छतगन हुमायूं नामा में हुमायूं के इतिहास का वर्णन मिलता है जो कि हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखा है। कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जा चुका है छतगन, पहले निगाहें आपकी होनी चाहिए। छतगन तबकाते अकबरी नामक ग्रंथ जिसमें अकबर का इतिहास का वर्णन मिलता है किसने लिखा था? निजामुद्दीन अहमद ने लिखा था, इसे भी आपको ध्यान रखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंतखाब उल तवारीख, छतगन मुंतखाब उल तवारीख नामक ग्रंथ की रचना अब्दुल कादिर बदायूनी ने की थी, इसमें भी अकबर के इतिहास का वर्णन विस्तृत रूप में मिलता है, ध्यान रखिएगा। छतगन तुझुके जहागीरी जहागीर की आत्मकथा थी जो जहागीर ने लिखा था, जो कि फारसी भाषा में थी, है ना। छतगन गंगा लहरी जो है वह ईश्वरदास गंगा लहरी पुस्तक जगन्नाथ पंडित ने लिखा था जिससे शाहजहां के कार्यकाल के बारे में जानकारी मिलती है। फुतुहाते आलमगिरी ईश्वरदास नागर ने लिखी थी, छतगन फुतुहाते आलमगिरी पुस्तक जो कि ईश्वरदास नागर के द्वारा लिखी गई थी, इस पुस्तक से हमें औरंगजेब के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, औरंगजेब के कार्यकाल के बारे में जानकारी मिलती है। पहली निगाहें आपकी होनी चाहिए छतगन, और एक एक चीजों को आपको ध्यान देना होगा, एक एक चीजों को मनन करना होगा, एक एक चीजों को छतगन याद रखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो छतगन ये सारे चीजों को आप ध्यान दें, ये सारे चीजों को आप मनन करें, इन सारे चीजों को आप अध्ययन करें, इन सारे चीजों को आप याद रखें, ये सभी चीजें आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ही बेहतरीन रूप से काम आएंगी। पैनी निगाहें आपकी होनी चाहिए छतगन, इसे आपको ध्यान रखना है। अब हेडिंग बनेगा छतगन मुगल काल में अनुवाद की गई प्रमुख पुस्तकें, मुगल काल में अनुवाद की गई प्रमुख पुस्तकें, पुस्तकें लिखिए। अकबर प्रथम मुगल शासक था, जिसने पृथक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। प्रथम मुगल शासक था जिसने पृथक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, की थी। नेक्स्ट, अकबर ने अनुवाद विभाग का प्रमुख फैजी को बनाया था, अकबर ने अनुवाद विभाग का प्रमुख फैजी को बनाया था। नेक्स्ट, महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद रजमनामा रजमनामा के नाम से अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। नेक्स्ट, रामायण का भी फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। नेक्स्ट, भगवद गीता कमा उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद दारा सिकोह ने किया था। नेक्स्ट, लीलावती जो कि गणित की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी, लीलावती जो कि गणित की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी का फारसी भाषा में अनुवाद फैजी ने किया था।
हैजी ने किया था। नेक्स्ट, नल दमयंती, नमक प्रसिद्ध ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद नल दमयंती, नमक प्रसिद्ध ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद फैजी ने किया था। टेक्स्ट, भगवत पुराण का फारसी भाषा में अनुवाद टोडर मल ने किया था। छतगन, क्या सवाल आएंगे गौर कीजिएगा। मुगल काल में किस शासक ने पहली बार पृथक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, जहां हिंदी संस्कृत में लिखी गई पुस्तकों को उर्दू और फारसी में अनुवाद किया जाता था ताकि यह सभी लोगों तक पहुंच सके। छतगन, वह मुगल शासक था महान साहित्य प्रेमी अकबर। अकबर ने पृथक अनुवाद विभाग का प्रमुख किसे बनाया था? फैजी को बनाया था। इसे भी आपको ध्यान रखना होगा। फैजी, जो कि अबुल फजल के बड़े भाई थे, महान विद्वान थे, इन्हें ही मुगल काल में अनुवाद विभाग का प्रमुख बनाया गया था अकबर के द्वारा। ध्यान देंगे। छतगन, महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किस नाम से हुआ था? रजमनामा। किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी। रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी। भगवत गीता और उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? दादा शिकोह ने किया था। ध्यान रखेंगे छात्रगण। लीलावती और नल दमयंती का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? छात्रगण, लीलावती और नल दमयंती का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था महान लेखक और गणित के, इन पुस्तकों का अनुवाद फैजी ने किया था। ध्यान दीजिएगा छात्रगण। छतगन, भगवत पुराण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? टोडर मल ने किया था। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। छतगन, इन पुस्तकों के जो अनुवाद किए गए हैं, इनसे सवाल पूछे जाते हैं। पूछेगा, रजमनामा किस पुस्तक का फारसी अनुवाद था? महाभारत। किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। इस तरह के प्रश्न लगातार पूछे गए हैं। भगवत गीता और उपनिषदों का अनुवाद किसने किया था? दादा शिकोह, शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र ने किया था। छतगन, लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? फैजी ने किया था। ये सारे प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में आते हैं। पहले निगाहें आपकी होनी चाहिए छतगन, ध्यान दीजिएगा, है ना। नेक्स्ट हेडिंग बनेगा छतगन, मुगल कालीन अर्थव्यवस्था। देखिए, मुगल काल में भू राजस्व या लगान की दर, हेडिंग बना लिए छात्रगण लाल हरा कलम से, मुगल काल में भू राजस्व या लगान की दर 1/3 अर्थात 33% थी। 1/3 अर्थात 33% थी। परंतु शाहजहां ने इसे बढ़ाकर अपने कार्यकाल में 1/2 अर्थात 50% कर दिया। 1/2 अर्थात 50% कर दिया। नेक्स्ट, अकबर पहला मुगल शासक था जिसने अपने दीवान टोडरमल की सहायता से भूमि को कई किस्मों में विभाजित किया था।
तथा विभिन्न प्रकार की पद्धतियों को लागू किया था, पद्धतियों को लागू किया था। नेक्स्ट, अकबर ने भूमि को चार भागों में विभाजित किया था, विभाजित किया था। नंबर एक, पोलज, पोलज बहुत इंपॉर्टेंट है छात्रगण, लिखे, यह सबसे उपजाऊ भूमि थी। पोलज, यह सबसे उपजाऊ भूमि थी, भूमि थी। इसमें प्रत्येक वर्ष खेती की जाती थी, खेती की जाती थी। नंबर दो, परती, परती देखिए, इसमें एक से दो वर्ष छोड़कर, एक से दो वर्ष छोड़कर खेती की जाती थी। नेक्स्ट, चाचर, इसमें दो से तीन वर्ष छोड़कर खेती की जाती थी। बंजर, यह सबसे अनुपजाऊ, यह सबसे अनुपजाऊ भूमि थी, भूमि थी, जिसमें पांच वर्ष छोड़कर खेती की जाती थी, की जाती थी। नेक्स्ट, तीर का निशान, अकबर ने राजस्व वसूलने के लिए, अकबर ने राजस्व वसूलने के लिए विगत, विगत 10 वर्ष के उपज को, 10 वर्ष के उपज को आधार मानकर एक नई पद्धति की शुरुआत की थी, जिसे आईने दहशाला, आईने दहशाला कहा जाता था, आईने दहशाला कहा जाता था। नेक्स्ट, अकबर ने अकबर ने भू राजस्व या लगान वसूलने के लिए, भू राजस्व या लगान वसूलने के लिए, के लिए एक नई पद्धति, एक नई पद्धति, पद्धति, पद्धति मत लिखिएगा छात्रगण। अकबर ने भू राजस्व या लगान वसूलने के लिए एक नए पदाधिकारी की नियुक्ति की थी, जिसका नाम कौरी था, था इनवाइट कमांडर लाइन छात्रगण, कौरी था। इसे एक वर्ष में 1 करोड़ रुपए राजस्व वसूलने का लक्ष्य दिया जाता था,
नेक्स्ट, शाहजहां के समय दक्षिण भारत का टोडरमल, दक्षिण भारत का टोडरमल मुर्शीद कुली खां, कुली खां को कहा जाता था, क्योंकि इसने दक्षिण भारत में भू राजस्व या लगान वसूलने के लिए नवीन पद्धतियों, लगान वसूलने के लिए नवीन पद्धतियों को लागू किया था, पद्धतियों को लागू किया था, किया था। नेक्स्ट, अकबर ने जमीन के मापन के पश्चात लगान वसूलने की प्रक्रिया शुरू की थी, जिसे जब्ती प्रणाली, प्रणाली या टोडरमल बंदोबस्त व्यवस्था, टोडरमल बंदोबस्त व्यवस्था भी कहा जाता है, भी कहा जाता है, जाता है। तो यह है छदगन मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख भाग। अभी इसमें हमें सिक्के पढ़ने हैं, मुगल कालीन सिक्के, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। छदगन मुगल कालीन अर्थव्यवस्था के तहत मुगल काल में भू राजस्व की दर 1/3 थी, शाहजहां ने इसे बढ़ाकर 1/2 कर दिया था, ध्यान रखिएगा। अकबर ने भूमि का वर्गीकरण 4 भागों में किया था, पोलज, पत्ती, चाचर, बंजर। पोलज सबसे उपजाऊ भूमि थी, प्रत्येक वर्ष खेती की जाती थी। पत्ती उससे निम्न भूमि थी, 1 से 2 वर्ष छोड़कर की जाती थी खेती। चाचर उससे भी निम्न भूमि थी, है ना, 3 से 4 वर्ष छोड़कर खेती की जाती थी। और बंजर उससे भी निम्न भूमि थी, जिसमें 5 वर्ष छोड़कर के खेती की जाती थी। छदगन पोलज, पत्ती, चाचर, बंजर पूछता है प्रत्येक वर्ष कि सर्वाधिक उपजाऊ भूमि क्या थी, पोलज थी। सबसे अनुपजाऊ भूमि क्या थी, बंजर थी। अकबर द्वारा भूमि का जो वर्गीकरण उपजाऊपन के आधार पर वर्गीकृत किया गया था, उसे क्रम से सजाएं, है ना। तो छदगन जब तक आपको मालूम नहीं रहेगा पोलज, पत्ती, चाचर, बंजर, तो इसको आपको याद नहीं रख पाइएगा। इसलिए छदगन इसको कविता टाइप का याद कर लीजिए, पोलज, पत्ती, चाचर, बंजर, पोलज, पत्ती, चाचर, बंजर, पोलज, पत्ती, चाचर, बंजर, पोलज, पत्ती, चाचर, बंजर, है ना। तो इससे क्या होगा कि आपको याद भी रहेगा और आप कभी भूलेंगे नहीं। छदगन याराना पिक्चर में आपने अमिताभ बच्चन को देखा होगा कि वो सबों से डायलॉग बुलवाता है, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, है ना। तो ठीक उसी प्रकार से आपको भी याद रखना होगा, पोलज, पत्ती, चाचर, बंजर, पोलज, पत्ती, चाचर, बंजर। तो इससे क्या होगा कि आपको याद भी हो जाएगा और क्रम भी याद रहेगा कि उपजाऊपन के अनुसार यही क्रम है, पोलज सबसे उपजाऊ, पत्ती उसके बाद, चाचर उसके बाद, बंजर उसके बाद, ध्यान रखिएगा। पूछेगा कौड़ी नामक पदाधिकारी की नियुक्ति किसने की थी, अकबर ने की थी। क्या था इसका लक्ष्य, 1 करोड़ रुपए साल में वसूल करना जनता से भू राजस्व लगान के क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा। कौड़ी नामक पदाधिकारी की नियुक्ति किसने की थी, अकबर द्वारा की गई थी, छदगन, इसे भी आपको ध्यान में रखना होगा। छदगन अकबर ने अपने भू राजस्व पदाधिकारी टोडरमल की सहायता से कई अभिनव प्रयोग किए थे। छदगन आईने दहशाला, जब्ती प्रणाली सब अकबर ने शुरू किया था। छदगन आईने दशाला क्या था, पिछले 10 वर्षों के भू राजस्व या लगान को आधार मानकर लगान की नई दर का निर्धारण करना ही आईने दशाला था। इसे भी छदगन आपको ध्यान रखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और जबरदस्त रूप से आता है प्रतियोगिता परीक्षाओं में। एक एक चीजों को पैनी निगाहें रखें छदगन, एक एक चीजों को ध्यान दें, एक एक चीजों को मनन करें, एक एक चीजों को छदगन आपको ध्यान रखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। पूछेगा दक्षिण भारत का टोडरमल किसे कहा जाता था, मुर्शीद कुली खां को। जब्ती प्रणाली किस मुगल बादशाह ने शुरू की थी, अकबर ने।
अकबर के समय भू राजस्व या लगान के सरोज पदाधिकारी कौन थे? टोडरमल थे, जो कि अकबर के दीवान थे। टोडरमल ने सिरसा के साथ भी काम किया था छतगन, और सिरसा के साथ किए गए कार्यों के अनुभव को ही उन्होंने अकबर के साथ भी साझा किया था। इसे भी आपको ध्यान रखना होगा। पूछेगा, आईने दहसाला किस मुगल शासक ने शुरू किया था? अकबर ने शुरू किया था। आईने दहसाला क्या था? विगत 10 वर्षों के उपज या लगान को आधार मानकर लगान के निर्धारण करने की पद्धति ही आईने दहसाला थी। तो छतगन, जब तक आप इन सब चीजों को याद नहीं रखोगे, मुगलकालीन भू राजस्व प्रणाली से आने वाले क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएंगे। इसे आपको ध्यान देना होगा और मनन करना होगा, अध्ययन करना होगा, एक एक चीजों को अपने दिमाग में जो है समाहित करना होगा। छात्रगण ध्यान रखिएगा। तो छात्रगण, आज यहीं तक हम लोग कक्षाओं को विराम देंगे। अगली कक्षाओं में हम लोग मुगलकालीन सिक्के और अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए अन्य पहलुओं के साथ साथ मुगलकालीन प्रशासन की ओर भी प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए आप सबों को मेरी शुभकामनाएं, हृदय से आशीर्वाद।